बहन होने के नाते एक थप्पड़ तो लगा ही सकती हूँ। चल जल्दी चल। ओह नो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दोनों सगी बहन है। बेचारा रणबीर, वो तो फंस गया। श्रिया को रणबीर चाहिए और रणबीर को प्राची। सरिता आंटी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब रिया को प्राची रणबीर के बारे में पता चलेगा तो वो प्राची के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? तुझे क्या लगता है, वो ऐसा कुछ करेगी? मम्मी आप मेरी बात सुन। बहुत सुन ली तेरी बात मैंने। प्रॉब्लम है, आप मेरी बात सुन रहे हो, मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तेरी बात नहीं समझती तो रणबीर कौन समझता? छोटा था ना, सिर्फ तेरे रोने की आवाज सुनकर मैं समझ जाती थी कि तुझे क्या चाहिए, और तू कह रहा है कि आज मैं तेरी बात नहीं समझती। तू 12 साल का था जब तुझे बाइक चाहिए थी, मैंने दिलवाई। 16 साल का था जब तुझे कार चाहिए थी, मैंने दिलवाई। 17 साल का था जब तुझे वर्ल्ड टूर पे जाना था, मैंने भेजा तुझे। सब मना कर रहे थे लेकिन सबको मैंने मनाया है। तेरे प्यार में अंधी हो गई थी मैं, लेकिन अब रियलाइज करती हूँ मैं रणबीर, वो सिर्फ मेरी गलती थी। लेकिन तब जो गलती की थी ना मैंने, उसे आज नहीं दोहराऊंगी। प्राची को तेरी जिद नहीं बनने दूंगी। पर प्राची मेरी आदत बन चुकी है मम्मी, और कुछ आदतें जीने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। आप बचपन में मुझे रोता देख के समझ जाते थे ना कि मुझे क्या चाहिए। आज जब मेरा दिल चिल्ला रहा है, जब मैं रो रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं समझना चाहते मम्मी? आप नहीं समझोगे, मैं डैड से बात करूंगा। मम्मी, मम्मी दिस इज नॉट मॉम, मॉम, पल्लवी क्या किया उसके साथ? कमरे में बंद किया है उसे मैंने। मॉम गलत कर रहे हो आप, खोलो दरवाजा यार, बच्चा हो गया। पल्लवी ये ज्यादा हो रहा है, मैं कह रहा हूं देखो से तो रणबीर। रणबीर अब वही करेगा जो मैं चाहूंगी। तो क्या करेगी तू? एक रास्ता ढूंढ लिया है मैंने। अब मेरे रास्ते में कोई भी आए ना, मुझे मुझे कोई परवाह नहीं। प्राची को रणबीर से दूर करके रहूंगी। अपने और प्राची के बीच में किसी को नहीं आने दूंगा मैं, किसी को नहीं। ऑटो, ऑटो, संकुंज पुलिस स्टेशन। अगर रिया मेरी बहन है तो आप इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाओ, हम इन्हें पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसे ना लिफ्ट चाहिए थी, इसलिए इसने ये सब जानबूझ के किया है। अगर रिया मेरी बहन है तो मेरा सर नहीं, मेरे पापा है। सर रावण कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, आप जाइए प्लीज। एक बार अपनी बेटी खो चुका हूं, दोबारा नहीं खोना चाहता मैं। मुझे हमेशा से लगता था कि काश मेरे पापा मेहरा सर जैसे होते। मुझे नहीं पता कि मैं इतनी लकी हूँ कि वही मेरे पापा हैं।